आज हमारे पास HP का मिनी पीसी है, HP प्रोडक्ट्स का ये मिनी पीसी, कोर i3 का लाया है। ये डेस्कटॉप है जो काफ़ी अच्छा है, एक सी टाइप, दो USB ऑडियो और माइक का आगे की ओर पोर्ट दिया हुआ है, और बैक साइड में जो इसका क्या क्या पोर्ट है और क्या मॉडल है आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये HP का प्रोडक्ट्स 600G3 मिनी पीसी है। अब इसका कौन कौन सा पोर्ट है, तो चलिए एक एक कर पोर्ट इसका हम बताते हैं, कौन सा पोर्ट क्या होता है। तो ये डिस्प्ले पोर्ट है, ये डिस्प्ले पोर्ट है, और ये भी दो डिस्प्ले पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, और ये 4 USB, एक नेटवर्क का लाइन, और यहाँ पे एडाप्टर जो लगेगा पावर का। तो ये हो चुका है। चलिए अभी तक इतना तो हम बता दिए, अब इसके आगे हम बताते हैं कि इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, केस को इसको कैसे ओपन करना है, और किसी चीज़ रैम या हार्ड डिस्क अपग्रेड करना है या किसी पार्ट्स रिप्लेसमेंट करना है तो इसे कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए एक बार लाइट को, फ्लैश को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे स्लाइडर दिया हुआ है, ये स्लाइडर से अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये कवर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, ये SSD, यहाँ पे SSD भी लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क कैसे निकालना है या कैसे रिप्लेस करना है, यहाँ पे अपना हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अभी मैंने हार्ड डिस्क इसका निकाला है। अब इस हार्ड डिस्क को हम फिर से यहीं पे लगाएंगे, तो लगाते टाइम थोड़ा सावधानी देर को ध्यान देना है। तो ये हार्ड डिस्क लग चुका है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे SSD भी लगा सकते हैं चाहे तो। मैं बताने के लिए इसे खोला था कि कैसे लगाया जा सकता है। अब यहाँ से फिर से हम जैसे कवर था इसका वैसे कवर लगा दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे कवर लग चुका है। इधर स्लाइड करेंगे, लॉक हो जाएगा। और लगाते टाइम थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे के USB में एक जो कवर होता है उसको ध्यान रखेंगे, वो USB में चला जाता है। अब चलिए इसका पूरा कनेक्टर को हम लगा देते हैं। बाकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन वगैरह जो होता है, मैंने इससे आगे वाले इसी PC पे और भी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि इसमें USB कैसे बूट कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।